यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और गुरुवार को राज्य कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर महिला अपराधों को रोकने की मांग की है और ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में हर रोज महिलाओं और छोटी बच्चियों के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन जो है वो आंख मूंद कर बैठी है और प्रदेश की बेटियां और महिलाओं को अपने आप को महफूज रखने के लिए उन्हें घर पर रहने को वो मजबूर है और आज हालात ऐसे हैं कि सरेआम महिला अधिकारी की पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी जाती है। ज्ञापन देने आए शिष्टमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुखू, कांग्रेस नेता रामपाल ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य सिंह, ठाकुर सिंह भरमौरी और राहत रोहित ठाकुर आदि शामिल थे। एक बैठक की और फिर गवर्नर के माध्यम से कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इस कानून व्यवस्था में जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है इसमें हस्तक्षेप कीजिए और सरकार को इस मामले में अवगत करवाइए कि दिन प्रतिदिन जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 महीने से जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो छोटी बच्चों के साथ स्कूल में छात्राओं के साथ जो शिक्षक दुराचार कर रहे हैं, इन सब बातों की ओर हमारा ध्यान इस कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की ओर। जो हमारी अधिकारी है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, उसको 2 गोली लगती है, 1 बेलदार को गोली लगती है और पुलिस वहाँ ये व्यवस्था की गई थी कि पुलिस के लोग वहाँ हथियार के साथ जाएंगे या हथियारों को जब्त किया जाना चाहिए था, धारा 144 लगाई जानी चाहिए थी ताकि सारे हथियार जब्त किए जाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनकी अनुपालना का मामला था। कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था नाकाम हुई है, इस तरफ भी कांग्रेस पार्टी ने इसका हमने अपना इसका ध्यान लाया।